आज इस वीडियो में हम ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू माय चैनल द फिजिक्स फैमिली। तो हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन कंसिडर किया है कि फाइंड ग्रेड फाई इफ फाई इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ग्रेडियंट हम स्केलर फंक्शन का फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो फाई गिवन है, फाई इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये स्केलर फंक्शन है। अब देखो, ग्रेड फाई का हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, हमारे पास ग्रेड फाई का फॉर्मूला गिवन है। दिस इज ग्रेड फाई इज इक्वल टू डेल फाई। ठीक है, डेल क्या है? वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, जो इक्वल होता है किससे? आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। ठीक है, ये डेल का वैल्यू है इनटू फाई इज इक्वल टू आई कैप डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाई डेल जेड। ठीक, अब यहाँ पर जो हमारे पास फाई का वैल्यू गिवन है, इस फाई के वैल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। दिस इज आई कैप डेल बाई डेल एक्स, फाई का वैल्यू हमारे पास क्या है? लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये गिवन है हमारे पास फाई का वैल्यू। सब में फाई का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। डेल वाई लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, के कैप डेल बाई डेल डेल जेड लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, जब हम लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को जब हम एक्स के रिस्पेक्ट पर पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें कुछ इस तरीके का वैल्यू मिलेगा कि ग्रेड फाई इज इक्वल टू आई कैप। ठीक है, सबसे पहले लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एंड फिर जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें इसका वैल्यू मिलेगा 2x। बिल्कुल सिमिलर तरीके से हम सेकेंड वाले टर्म को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें इसका भी वैल्यू कुछ इस तरीके से ही मिलेगा कि 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि लॉग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा वो तो होता है 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और फिर जो लॉग के साथ जो टर्म है, जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई तो वाई ही सिर्फ इसमें पार्शियली डिफरेंशिएट होगा तो इसका वैल्यू 2y। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से हम इसे भी डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2z बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका जो डिनोमिनेटर्स है वो क्या है? सेम है, तो हम डिनोमिनेटर्स को एक साथ लिखते हैं। जब हम डिनोमिनेटर को एक साथ लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 2z के कैप, कुछ इस तरीके से मिलेगा। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 2x आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये हमारे पास ग्रेड फाई का वैल्यू है। इट मीन्स है हम यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि हमारे पास जो फंक्शन गिवन था लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जिसका ग्रेडियंट हमें फाइंड आउट करना था, वो स्केलर था। बट अब जब हम ग्रेड फाई मतलब गिवन फंक्शन का जब ग्रेडियंट फाइंड आउट कर दिए तो हमें क्या मिल रहा है? ये एक वेक्टर फंक्शन मिल रहा है। इट मीन्स है कि जब हम एक स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा? वेक्टर फंक्शन। तो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन लिया था, उस क्वेश्चन में क्या था कि हमें जो
ग्रेडियंट फाइंड आउट करना था, वो सिर्फ एक गिवन फंक्शन फाई का फाइंड आउट करना था। बट यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ जो हमें ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है वो एक गिवन पॉइंट पर फाइंड आउट करना है जिसका कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन है। हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये पॉइंट क्या है, ए। इट मीन्स है कि जो ग्रेडियंट हमें फाइंड आउट करना है इस स्केलर फंक्शन का, वो एक पॉइंट ए पर फाइंड आउट करना है जिसका कोऑर्डिनेट्स हमें नोन है। तो सबसे पहले हमें ग्रेडियंट फाइंड आउट करना होगा इस फाई का। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास फॉर्मूला प्रेजेंट है ग्रेडियंट फाई का, मतलब ग्रेड ऑफ फाई का। दिस इज डेल फाई, जहाँ पर डेल क्या है, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है, और फाई क्या है, ये गिवन स्केलर फंक्शन है। तो हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि आई कैप डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाई डेल जेड। ठीक है, हम कुछ इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। अब अगर यहाँ पर हम फाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें इसमें, ठीक है, और फिर इसे डिफरेंशिएट करें पार्शियली, तो हमें ग्रेड फाई का वैल्यू मिलेगा। तो अब हम इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। आई कैप डेल बाई डेल एक्स, फाई का वैल्यू क्या है, 3x² y माइनस वाई पर क्यूब जेड स्क्वायर प्लस जे कैप डेल वाई डेल वाई, फाई का वैल्यू क्या है, 3x² y माइनस वाई पर क्यूब जेड स्क्वायर एंड द नेक्स्ट टर्म इज के कैप डेल बाई डेल जेड, 3x² y माइनस वाई पर क्यूब जेड स्क्वायर। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं। जो पार्शियली डिफरेंशिएशन हमें करना है वो हम शुरू करते हैं। तो पहले क्या होगा, पहले वाले टर्म में x प्रेजेंट है, दूसरे वाले टर्म में x प्रेजेंट नहीं है। इट मीन्स है कि ये जीरो हो जाएगा, इसका जो डिफरेंशिएशन है वो जीरो होगा। बट फर्स्ट वाले टर्म में हमारे पास एक x है, तो जब हम उससे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 3 × 2x × y। ठीक है, ये आ जाएगा आई कैप के लिए। नेक्स्ट प्लस इस टर्म को देखते हैं, इस टर्म में हमारे पास y वाला दोनों ही टर्म है क्योंकि हम इसे पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y। तो y का हमारे पास दोनों टर्म है, तो हम दोनों टर्म को बारी बारी से डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली। ठीक है, तो इसमें डिफरेंशिएट करेंगे तो ये y बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, 3x² माइनस इसमें y पर क्यूब है। इट मीन्स है कि यहाँ पर क्या होगा, 3y² एंड जेड स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, के कैप, इसमें जो फाई है उसे हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू जेड। तो जेड के रिस्पेक्ट पर जब हम इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले टर्म में तो जेड नहीं है, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, लेकिन दूसरे वाले टर्म में हमारे पास जेड है तो इसका हम पार्शियली डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। दिस इज माइनस वाई पर क्यूब इंटू 2z². ठीक है, अब थोड़ा सा और इसे हम एवेल्युएट कर लेते हैं। ग्रेड फाई इज इक्वल टू 6xy आई कैप प्लस 3x² माइनस 3y² z² जे कैप प्लस माइनस वाई पर क्यूब जेड स्क्वायर के कैप। अब हमने इसे अरेंज कर लिया फुल्ली। हम ग्रेड फाई तो हमने निकाल लिया, बट ग्रेड फाई जो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है वो हमें एक गिवन पॉइंट ए पे फाइंड आउट करना है जिसका कोऑर्डिनेट्स हमें पता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जो वैल्यूज़ है एक्स वाई जेड का, ये वैल्यूज़ को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे जिससे हमें रिक्वायर्ड वैल्यू मिलेगा ग्रेड फाई का एट दैट पॉइंट। तो क्या करना है, ग्रेड फाई एट ए 1 − 2 − 1, है ना, ग्रेड फाई एट पॉइंट ए 1 − 2 − 1। तो आओ ग्रेड फाई फाइंड आउट करते हैं इस पॉइंट पर। देयरफॉर ग्रेड फाई इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू 1 है, वाई का वैल्यू -2 है और जेड का वैल्यू -1 है। तो यहाँ पे क्या है, 6 × x, इट मीन्स है 1, वाई -2, आई कैप प्लस यहाँ पर देखते हैं 3 × x² है, इट मीन्स है कि 1² माइनस 3 × y², मतलब −2 / 2 × z², मतलब −1 / 2 जे कैप प्लस के कैप है −2 − 2 × y³, वाई का वैल्यू −1 तो −1 / 3 × z, वाई का वैल्यू यहाँ पर -2 है तो −2 / 3 और जेड का वैल्यू -1
है, तो इस पर माइनस वन पर होल स्क्वायर के कैप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस ट्वेल्व आई कैप, जब हम इसे रिसॉल्व करेंगे, इसे रिसॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, थ्री फोर माइनस ट्वेल्व जे कैप प्लस, इसमें क्या मिलेगा, एक मिनट, यहाँ पर हमने एक छोटा सा मिस्टेक किया, क्योंकि हमें z के रिस्पेक्ट पर इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करना था, तो यहाँ पर ये 2z हमने लिखा है, लेकिन ये z स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि हमने z स्क्वायर को ही डिफरेंशिएट किया है पार्शियली, तो यहाँ पर ये माइनस वन होगा। तो जब ये माइनस वन होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस सिक्सटीन के कैप। अब हम इसे फुल्ली जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस ट्वेल्व आई कैप माइनस नाइन जे कैप एंड माइनस सिक्सटीन के कैप। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ ग्रेड फाइव एट पॉइंट ए वन माइनस टू माइनस वन। अब देखो, हमने यहाँ पर जो फाइंड आउट किया है ग्रेडियंट, वो एक स्केलर फंक्शन का फाइंड आउट किया, बट हमें आंसर क्या मिल रहा है, एक वेक्टर फंक्शन। और हम अपने अगले वीडियोस में ग्रेडियंट से रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, डाइवर्जेंस से रिलेटेड भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और कर्ल्स से रिलेटेड भी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।